केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आर्य भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। कोरोना काल के समय में सुरक्षा और बचाव ही एकमात्र उपाय है, इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है। उक्त बातें सरण MLCE सच्चिदानंद राय ने कही। कोरोना से बचाव के लिए सरकार के साथ कई राजनीतिक दलों ने मास्क वितरण कर लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। सारण जिला को कोरोना मुक्त रखने के लिए सबसे पहले आगे आए सारण के MLCE सच्चिदानंद राय के निर्देश पर अब तक 50,000 से भी ज्यादा मास्क का निर्माण और वितरण किया गया है। कोरोना वायरस के शुरुआती समय में सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और वार्ड सदस्यों के लिए मास्क उपलब्ध कराने के बाद MLC ने सारण जिला के दुकानदारों को मास्क उपलब्ध कराने की योजना को अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू किया है। MLCE सच्चिदानंद राय ने कहा कि संक्रमण का खतरा दुकानदारों को सर्वाधिक है और इनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, कारण इनसे अधिक से अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं या ग्राहकों से दुकानदारों में भी संक्रमण का खतरा है, जिसके लिए दुकानदारों को दो दो मास्क उपलब्ध कराकर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। तरह का वितरण कार्यक्रम चल रहा है आपका? ये हमारे सारण के MLC श्री इंजीनियर सच्चिदानंद राय के निर्देश पर हम लोग ये सब बांट रहे हैं, मास्क का वितरण कर रहे हैं, जो हर बाजार में सब दुकानदारों को दिया, जो दो मास्क वितरण कर रहे हैं हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे मढ़ौरा विधानसभा में हर दुकानदार को मास्क दिया जाए, इसलिए हम लोग गौरा, मझौलिया, सिलहौरी, मढ़ौरा इत्यादि सभी गांव में पूरा जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। आप इस पहल को किस रूप में देख रहे हैं? इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी के द्वारा जो मास्क का वितरण गौरा बाजार, सिलहौरी बाजार, मढ़ौरा अनुमंडल या अनेक जगह वितरण किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। दुकानदारों को दिया जा रहा है इसलिए कि वो मास्क पहने और जो भी उनके उपभोक्ता हैं उन लोग को समझावें कि मास्क पहनना जरूरी है। इस कार्य से कोरोना जल्दी ही खत्म हो जाएगा और ये लमसम 4,450 तो सिलहौरी चौक में ही वितरण हुआ है और अन्य गौरा बाजार, गहरा बाजार, कई जगह वितरण किया जा रहा है।